नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विधिलिंग लकार। चाहिए के अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है, इच्छा आशीर्वाद के अर्थ में भी विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं नी धातु और इसके पहले अभि उपसर्ग यूज कर रहे हैं, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। नी का मतलब होता है ले जाना, लेकिन जैसे ही अभि उपसर्ग ऐड करते हैं तो इसका अर्थ होता है अभिनय करना। पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम और उत्तम। हम बात करते हैं अभि प्लस नी धातु एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुष देखिए, अभिनयेत, अभिनयेताम, अभिनययुः। मध्यम पुरुष अभिनयः, अभिनयताम, अभिनयेत। उत्तम पुरुष अभिनयेयम्, अभिनयेव, अभिनयेम। एक बार फिर, अभिनयेत, अभिनयेताम, अभिनययुः, अभिनयः, अभिनयेताम, अभिनयेत, अभिनयेयम्, अभिनयेव, अभिनयेम। अब हम वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। अहम् उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता है। उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है अभिनयेयम्। तो अहम् अभिनयेयम्, मुझे अभिनय करना चाहिए। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है अभिनयेव। आवाम अभिनयेव, हम दोनों को अभिनय करना चाहिए। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है अभिनयेम। वयम अभिनयेम, हम सबको अभिनय करना चाहिए। त्वम मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता है। मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है अभिनय। तो त्वम अभिनये, तुम्हें अभिनय करना चाहिए। त्वम अभिनये, तुम्हें अभिनय करना चाहिए। नेक्स्ट है युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है अभिनयेतम। युवाम अभिनयेतम, तुम दोनों को अभिनय करना चाहिए। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता। मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया देखिए अभिनयेत। तो यूयम अभिनयेत, तुम सबको अभिनय करना चाहिए। से प्रथम पुरुष एकवचन है। यहां पर सा स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुष एकवचन। राम है प्रथम पुरुष एकवचन। अब यहां पर प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया कहाँ है? ये रही प्रथम पुरुष, ये एकवचन की क्रिया अभिनय। तो यहां पर हम यूज करेंगे से अभिनयेत, उसे अभिनय करना चाहिए। सा अभिनयेत, उसे अभिनय करना चाहिए। राम है अभिनयेत, राम को अभिनय करना चाहिए। नेक्स्ट है तव, पुल्लिंग है, वे दोनों। प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता। ते स्त्रीलिंग, वे दोनों। प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता। राम है सीता, छे, वे दोनों। प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता। प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया देखेंगे अभिनयेताम। तो यहां पर हम प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तव अभिनयेताम, उन दोनों को अभिनय करना चाहिए। ते अभिनयेताम, उन दोनों को अभिनय करना चाहिए। रामे सीता च अभिनयेताम, राम और सीता को अभिनय करना चाहिए। अब ते है प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता पुल्लिंग। ता प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता स्त्रीलिंग। रामे राधा गीता च प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे अभिनययुः। क्या करेंगे? अभिनय। ते अभिनययु, उन सबको अभिनय करना चाहिए। ता अभिनययु, उन सबको अभिनय करना चाहिए। रामे राधा गीता छे अभिनययु, राम राधा और गीता को अभिनय करना चाहिए। धन्यवाद।